जीत सर के द्वारा जो किताब लाई गई है प्रैक्टिस सेट बीपीएससी टीचर भर्ती के लिए कक्षा 1 और 5 के लिए, उसका हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। इस वीडियो में मेनली सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को किया जाएगा, सामान्य ज्ञान जीएस पोर्शन को बस किया जाएगा। मैथ के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में होंगे, पहले जीएस पोर्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन भी देख लेंगे अच्छे से डिटेल मैनर में। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले सवाल से शुरू करते हैं, साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय, मतलब इसमें सुमेलित करना है। और राजा राम मोहन राय ये किससे से रिलेटेड, ब्रह्म समाज, इन्होंने से लगभग 1828 के आसपास इसकी शुरुआत की थी। स्वामी विवेकानंद जी का रामकृष्ण मिशन, ये 1893-98 के आसपास ये शुरू हुआ था रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी के द्वारा। दयानंद सरस्वती लगभग 1875 के आसपास आर्य समाज की स्थापना हुई, एम जी राणा के द्वारा प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये है हमारे मैडम भिकाजी कामा, इन्हें बोला जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार भारत का झंडा स्टटगार्ट मतलब जर्मनी में लगभग 1907 में फहराया था। उसके अलावा बहुत सारे इनके काम है देश के लिए, और ये बहुत बड़ा काम था ये 1907 में जो जर्मनी में पहली झंडा जो भारत की झंडा लहराई गई थी, वो ट्राई कलर का, फर्क यही थे कि वो आज और आज के जो झंडे और उस समय के झंडे फर्क था, पर लगभग उसी वही सही झंडा था आज के झंडे की तरह। तो मैडम भिकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोला जाता है, ये बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था। ये था आपका 2020-21-22। और कौन सा राज्य है जो पहली बार पेपरलेस बजट लाया था, वो था आपका उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का। नेवा एक है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये लाने वाला पहला राज्य कौन है, नागालैंड। तो पहली डिजिटल बजट 2021-22 में आया थी, मतलब 1 फरवरी 2021 को आया था पहला डिजिटल बजट था 2021-22 के लिए। चौथा क्वेश्चन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। ये पारित किया गया था 89 में, मतलब सिडबी एक्ट। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। ये इसका पास हुआ था 1889 में, पर बना था ये 1990 में। पांचवा क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। तो ये है आपका कायथा संस्कृति। छठा क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था, नॉर्थ जो इंडिया था विभक्त कितने कहाँ था। ये था 16 जनपद में और गणराज्यों में, 16 महाजनपद थे, जनपद नहीं महाजनपद, वो आज की तरफ बड़े बड़े शहर ही है ना, महानगर जो है ना उस तरह से समझ सकते हैं, महाजनपद थे 16 महाजनपद थे टोटल पूरे इंडिया भर में, और हमारे देश हमारे बिहार में थे टोटल 3 महाजनपद। और इसकी चर्चा कहाँ पर है, बुद्ध बुद्ध भगवान की बुद्ध से रिलेटेड जो किताब है अंगुत्तर निकाय उसमें है, और एक जैन धर्म से रिलेटेड जो किताब है भगवती सूत्र उसमें है, इस महाजनपद 16 महाजनपद की चर्चा। सातवां क्वेश्चन है अधोलिखित में किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण होता है। तो ये कल्हन है, कल्हन की राज तरंगनी किताब है, उसमें कश्मीर के बारे में हमें चर्चा मिलती, उस समय के कश्मीर के बारे में चर्चा मिलती है। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी को उपाधि धारण की थी। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने नौवा क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो ये थे चंद्रगुप्त, इन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि सुदर्शन झील जो कि आपका सौराष्ट्र क्षेत्र में गुजरात में है, गिरनार पहाड़ी के मध्य में सौराष्ट्र क्षेत्र में है गुजरात में, वहाँ पर इनका द्वारा नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त
वैश्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था सुदर्शन झील का। और इसको समय समय पे और भी लोग इसको रिकंस्ट्रक्ट करते रहे, मतलब इसमें जब कुछ खराबी आ गया तो इसको बनाते रहे। और 10वां क्वेश्चन है, उच्च भूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ हुई थी? तो ये था आपका नरवर्धन। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गम धारा? तो ये है क्योरिसो धारा। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है? सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, इससे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो आदान प्रदान आयात निर्यात होता है वो जल से होता है, तो जल परिवहन सबसे सस्ता पड़ता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालुका स्तूपों बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो वो हवन है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत हो? तो ये क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर इसको बोला जाता है, और एक समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर पड़ जाता है जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है, ओजोन लेयर O3 जो हमको हमारे देश पूरी दुनिया को यूवी रे मतलब जो सूर्य से आ रही है अल्ट्रा वायलेट रे उससे बचाता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से ताप व्युत्क्रम के आदर्श स्थितियाँ हैं? तो शांत और स्थिर वायु। 16वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तो ये आपका कैमूर में है, कैमूर जो कि भभुआ भी जाना जाता है, ये कैमूर भभुआ सब एक है, और ये आपका बगल में है, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है ये। 17वां क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये है आपका कांवरताल झील जो कि बेगूसराय में है, बिहार की एकमात्र रामसर साइट। 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? वो पपड़ी क्रस्ट बोला जाता है, सबसे ऊपर वो क्रस्ट बोला जाता है। गोदावरी नदी निकलती है तो गोदावरी नदी आपको निकलती है नासिक में, जो त्रिम्बकेश्वर पहाड़ है वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी, और इसे ही साउथ की गंगा या गंगा ऑफ साउथ बोला जाता है। और दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की गंगा के बाद। 20वां क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है, और ये स्वेज कैनाल है किसका? ये है मिस्र का, इजिप्ट का, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री साहब अभी गए थे और वहाँ के सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सम्मान है उन्हें मिला है, ऑर्डर ऑफ द नाइल, तो ये उसी देश में है स्वेज कैनाल। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के 73वें संशोधन सम्मिलित है? तो जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ब्लॉक और ग्राम पंचायत, ये तीनों है। नगर निगम आपके 74वें से जरूरत है, 74वें संशोधन संबंधित है, या 12वां शेड्यूल बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा ABC, मतलब ये हो जाएगा आंसर। 23वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है? तो ये सेंटर यूनियन सेंटर को की गई है, मतलब केंद्र को की गई है, और इसकी अवशिष्ट शक्तियाँ, उसके अलावा देखिए चार तरह के लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट होता है जो बस उसमें कानून केंद्र बना सकता है, स्टेट लिस्ट होता है जैसे एग्रीकल्चर हो गया इस पर बस कानून राज्य बना सकता है, और एक होता है कनकरेंट जो दोनों में होता है, दोनों के लिए बना सकते हैं यूनियन और स्टेट, और यूनियन और स्टेट में से दोनों में से किसका अगर दोनों बना दिया तो जो सेंटर है जो केंद्र है उसका माना जाएगा, है ना, और एक होता है रेसिडुअरी जो किसी भी जगह मेंशन नहीं मगर समय समय के साथ वो बनते रहेंगे, जैसे आज के ज़माने में AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो किसी में मेंशन नहीं था उस ज़माने में जब हमारा संविधान बना, तो आज ये रेसिडुअरी में चला जाएगा और बन जाएगा ये। 23वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे डॉक्टर BN Rao। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ये है पाकलन समिति, इसमें टोटल 30 लोग हैं, 30 हैं, सभी लोकसभा के मेंबर हैं,
और एक होता है लोक लेखा समिति, ये बहुत पॉपुलर है। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और आते हैं 7 राज्यसभा से। जिसमें क्वेश्चन है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था? ये हुआ था आपका नवंबर 2014 को। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब थे, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज किया। और लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में लगभग आया था, उसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने ये लुक ईस्ट पॉलिसी लाया था। और उसी के तहत आसियान, ये सब आसियान और भी ग्रुप बने, उसी के तहत हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते रहे, एक्टिवली उसमें मेंबर बनने की कोशिश करते रहे। 26वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो भूमि सुधार किसमें निहित है? 9वीं अनुसूची में निहित है भूमि सुधार, जो कि पहली हमारी अमेंडमेंट है, हम मतलब संविधान संशोधन 1991 में हुई थी, बिहार के बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद हुई थी, 1951 में हुई थी पहला संविधान संशोधन, 9वीं शेड्यूल बनी था। 27वां क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? हमारे संविधान में जिसको बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटी, जो हम मेनली USSR, उस समय के USSR बोलिए और आज का रसिया बोलिए, वहाँ से लेकर आए थे, स्वर्ण समिति के की सिफारिश पर लेकर आए थे। और ये आर्टिकल 51A में मेंशन है इसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। टोटल अभी 11 है और ये 1976 में आया था, जब हमने 42वां संशोधन किया था 42nd, तो 1976 में आया था फंडामेंटल ड्यूटी। 28वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1989 में, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी हुआ था उसी वक्त, तो पहले हुआ था राजस्थान में। 29वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये पता ही है हमारे पास, भागलपुर है, विश्व प्रसिद्ध सिल्क यहाँ पर मिलते हैं। 30वां क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? ये देख लीजिए आपका 61.80 है, सॉरी यह आ जाएगा, महिला इतना आ जाएगा 15.15, और बिहार का ओवरऑल जो लड़का का है वो लगभग ये आ जाएगा 71 आ जाएगा, और बीच में आ जाएगा पूरा पूरा महिला प्लस पुरुष को मिलाकर इतना 77 दर आ जाता है। तो 51 है लड़की लोगों का, महिला लोगों का, उससे थोड़ा ऊपर जाइएगा तो पूरे सबका, दोनों का महिला प्लस पुरुष का एवरेज है, और पुरुष का है 71.25 लगभग। 21वां क्वेश्चन है, अरहर की संकर किस्म क्या है? तो ये है आपका ICHP 8, ICPH 8, अरहर दाल को ही तूर दाल कहा जाता है। 32वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे MS चेतलवार, ठीक ना। और ये अभी 67वीं BPSC में ये क्वेश्चन आया था। 33वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है वेजिटेबल फोर्सिंग, मतलब इसको क्या करते हैं, जैसे कोई सीजन है नहीं तब भी हम ऐसा इन्वायरमेंट बना लिए, समझिए ऐसा टेम्परेचर रख दिए, ऐसा क्लाइमेट बना लिए कि, और उसको अपने हिसाब से फल को उगा रहे हैं, सब्जी उगा, कोई भी सीजन में, मतलब ये गोभी के सीजन में आप उगा रहे हैं गाजर को, या परवल को, आप परवल के सीजन में उगा रहे हैं गोभी, कोई भी एक चैम्बर में, एक रूम में, या कैसे भी कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट में, है ना, आपने वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया कि गोभी उग जाएगा अब गर्मी में भी, तो इसीलिए बोला जाता है ये है ग्रीन हाउस वेजिटेबल फोर्सिंग। 34वां क्वेश्चन है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य क्या होता है? ये होता है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है? ये है समोच्च, उच्च है तो उच्च पहाड़ी क्षेत्र, तो बस इस तरह से याद कर सकते हैं। 36वां क्वेश्चन है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती? तो ये होता है 15।
वंदे भारत देश गान का रचयिता कौन है? 36वां क्वेश्चन है, वंदे भारत देश गान का रचयिता कौन है? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मत किताब से लिखा लिया गया था वंदे भारत, और आनंद मत में मेनली सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा है, सन्यासी विद्रोह जो कि लगभग 1770 से 1800 के आसपास हुई थी, जिसमें सन्यासी लोग पे मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने से पाबंदियाँ लगा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। 38वां क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन का समय क्या है? तो ये सुबह सुबह है प्रातःकाल में, तो इसी आंसर इसका। 39वां क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ये भी 67वां बीपीसी में आया था ये क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब है बहुत मल्टीपल है, ये 83 है, फिर 85 आर्टिकल, फिर 172 आर्टिकल है, फिर 356 आर्टिकल है। ये 356 आर्टिकल है, इसी के तहत प्रेसिडेंस रूल या मतलब केंद्र का शासन हो जाता है राज्य में। 40वां क्वेश्चन है, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे मृदा कणाकार कहा जाता है। 41वां क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वर्ग क्या है? तो ये था अभी आरटीएस, सीटीएस, फोर्टीएस, इसमें आरटीएस, सीटीएस, फोर्टीएस और कम्यूनीटर, कम्यूनीटर भी था जोड़ा हुआ था, इसका मतलब होता है फास्टर। ये आपका जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन है ना, और इसका मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर, इस तीनों का मतलब है हायर, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। 41वां के बाद 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? ये भी आपके फुलेला गोपीचंद अर्जुन पुरस्कार जीते। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये मतलब नहीं है, पांच प्रकार के होते हैं। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो ये पूछ सकता है, मे बी वज्रासन होता है। 45वां क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर में, जहाँ पर अभी बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। 46वां क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है विटामिन और खनिज लवण, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? तो सोलर विधि क्या है, और उबालना है। 28वां क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस प्रकार से सहायता करता है? तो ये आपका प्रोटीन को पचाने में करता है, अंत में ट्रिप्सिन ही जाके पूरा पचा देता है, और पेप्सिन भी काम करता है प्रोटीन पे, ट्रिप्सिन भी काम करता है, और स्मॉल छोटी आंत में जाकर पूरी तरह से प्रोटीन पच जाता है बड़ी मेहनत के बाद, सबसे मेहनत लगता है प्रोटीन को पचाने में। 49वां क्वेश्चन है, चेचक के विषाणु का नाम क्या बताइए? इसका नाम है विब्रियो कॉलरा, विब्रियो वेरियोला, वेरियोला वायरस, वेरियोला या वायरस चेचक का विषाणु है जो इसको करता है। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने पर उस पता लगाने के लिए। 91वां क्वेश्चन है, संपोषित विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? तो ये किया गया ब्रंटलन कमीशन रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर नाम से, यह लाया गया, और इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो SDG गोल है, टोटल कितने 17 SDG गोल, इस पर फोकस करता है यह ब्रंटलन कमीशन रिपोर्ट। 52वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ब्रंटलन से एक और बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेटन वुड जो कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये हुआ था आपका 1944-45 के आसपास, जिस समय यूनाइटेड नेशन बन के आया था, और इसी से डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक और IMF निकल के आया, जो आप आज जो जब डूबता है देश तो IMF लोन देता है ना, वो वाला देश, या भारत देश था 1991 में, उसमें IMF भी निकल के आया था, या अभी पाकिस्तान के या कोई भी देश हो, और वर्ल्ड बैंक तो डेवलपमेंट वाले काम में देता है, आपको सड़क बहुत बड़ा बनाना है, गरीब को लिए कल्याण योजना लगाना है, डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक पैसा देगा, तो वो ब्रिटेन उड से आया था, ये ब्रंटलन नहीं, ब्रिटेन उड से आया था, और ब्रंटलन से SDG गोल आया। 52वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को बोला जाता है, और भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हमारे बिहार में है, पटना में, और 2009 में इसे नेशनल राष्ट्रीय जलीय
जीव बना गया था। 53वां क्वेश्चन है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। चौवनवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रवाह गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब ओजोन तो है, मीथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2 है, नाइट्रोजन ओजोन गैस नहीं है, हरित ग्रीन हाउस गैस नहीं है, GHG नहीं है, ठीक ना, और मीथेन इसमें बहुत ज़्यादा है, मीथेन बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस करता है। 55वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? मृदा संरक्षण विधि कौन सी नहीं, मृदा अपवर्धन रोकना, बिल्कुल आप सॉइल इरोजन रोकिए, जैविक खाद, खाद दीजिएगा तो उसकी जैविक खाद मतलब बायोलॉजिक जो हम ऑर्गेनिक खाद देते हैं जो गोबर है वो सब मिला उला कर तो वो अच्छा होता है। फसल चक्र बिल्कुल, क्रॉप रोटेशन करते रहिए, इस बार मूंग उगाइए, अगली बार ये उगाइए, अगली बार वो उगाइए, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी उर्वरकता बनी रहती है। और एक ऑप्शन है कीटनाशक, इससे तो आपका सॉइल ख़राब होता है धीरे धीरे, शुरू में तो आपका उपज कर देगा मगर धीरे धीरे ख़राब कर देगा। 55वां क्वेश्चन है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? इसमें तेल की कमी या सफाई नहीं करने पर निश्चित तौर पर उसमें स्लिपिंग एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो पाता तो भारी चलने लगती है, घर्षण बढ़ जाता है उसके। इसमें 57वां क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये होता था हड्डी की बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डी की बीमारी है, बहुत कमज़ोर हो जाता है हड्डी। 58वां क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? ये है ग्लोबिन है, प्रोटीन नामक तत्व और ग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है ना, आयरन होता है। 59वां क्वेश्चन, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? तो ये है हर्बर्ट की, योजना विधि आधारित है, योजना विधि किस चीज़ पर आधारित है, करके सीखने पर। 61वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? तो वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, वो तो चले गए थे, वो इंडिया में थे ही नहीं उस समय, राजगोपाल जी ये तो अलग ही थे, तो भूलाभाई देसाई जो थे ना, और आसफ अली भी थे पर मेन तो भूलाभाई देसाई थे, बहुत पॉपुलर थे वो। 62वां क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की थी आज़ादी के रात्रि में। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर जलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो ये मोहन सिंह थे, उनको कोई मुकदमा का सामना नहीं करना पड़ा। 64वां क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? ये थे सुचेता कृपलानी जी, इन्होंने गाया था। 65वां क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्षों में आए थे? ये लगभग 21 वर्षों में आए थे, वो गए थे लगभग 92-93 में, उनको वहाँ पे बुलाया था साउथ अफ्रीका में, वहाँ के बड़े भारतीय ही थे, उन्होंने बुलाया वहाँ पर, और गए थे केस लड़ने और लगभग रह गए थे 21 साल, और फाइनली वो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी जिस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं उस दिन लौट कर आए थे भारत। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत बीच में जो आते थे भी, और उन्होंने कांग्रेस का सेशन में पार्टिसिपेट किया था, नीचे कमेंट में बताइए तो वो किस साल कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट किया था, इतना बता दो। तो उस साल प्रेसिडेंट जो बने थे वो दिनसा बच्चा बने थे, जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस सेशन के वो दिनसा बच्चा थे। 66वां क्वेश्चन है, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो यही है, भारतीय असंतोष के पिता, इनको वेलेंटाइल सिरोल ने कहा है। 67वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? तो उनके पहले कैप्टन मोहन सिंह थे, ये वही थे जो 1911 में लगभग हडिंगे पर बम मार दिए थे दिल्ली पर, और उसके बाद हमारे देश से चले गए, तो INA के कमांडर थे वो। 68वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए।
सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, बिल्कुल सही है, 1939 सेशन में, जब वो बीच में ही प्रेसिडेंट, उस समय वो अध्यक्ष थे, वो बीच में ही अध्यक्ष पद को छोड़कर चले गए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की उन्होंने। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन ये संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 68वां का सी आंसर है। 69 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? क्योंकि उस समय चौरी चौरा में एक पुलिस चौकी को ही जला दिया, जिसके कारण लगभग 20 22 24 पुलिसकर्मी जिंदा ही जल गए थे। तब हिंसा को बढ़ता हुआ देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, लगभग 4 फरवरी के आसपास। तो 70वां क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित? तो भंडारी समिति आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना के लिए है। 71वां क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार का वृक्षों के रोपण का प्रोत्साहन किया गया है? तो बहुउद्देश्यीय वाले। 72वां क्वेश्चन है, स्मार्ट जल होता है क्या होता है? एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल करता है। 73वां क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को पूर्ण रूप से रोक दिया? तो यह है हिमाचल प्रदेश। 74वां क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ गया तो समुद्र तट घट जाएगा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला, पृथ्वी गर्म हो जाएगी, बिल्कुल सही है, ध्रुवों बर्फ पिघलेगी, बिल्कुल सही है, वायु ताप बढ़ जाएगा, ये भी सही है, पर समुद्र तट का कोई मतलब नहीं, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा है ना, समुद्र का जो पानी का लेवल बढ़े, बट तट में ये नहीं बोल सकते हैं। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ये है आपका यूकेलिप्टस, इसको उगाइएगा तो तुरंत में उग जाएगा और आसपास के जो वन्य जीव है उसको खा जाएगा, ये मतलब इसके आसपास कोई दूसरा चीज ग्रो नहीं कर पाएगा, उग नहीं पाता। 76वां क्वेश्चन है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई, लगभग 40 वर्षों तक नहीं देखी गई तो उसके बाद उसको विलुप्त मान लिया जाता है। 77वां क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाता है, ह्यूमेलिन कहलाता है। पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक होती है, पेयजल में संख्या प्रदूषक कहाँ पे सर्वाधिक, ये आप पूछ सकते हैं कानपुर में, और आपको बता दें इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि कानपुर में आपका लेदर फैक्ट्री है, लेदर फैक्ट्री जिसमें पानी, इसको लेदर मतलब कि जो खाल होता है उसमें से असली लेदर जो आप यूज़ करते हैं वो निकालने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, ठीक ना, तो इसलिए प्रदूषित हो सकते हैं। और उस जो हम करते हैं इसमें टैनिंग प्रोसेस की उसको बोला जाता है, लेदर से जो असली लेदर निकाल उस प्रोसेस को टैनिंग बोला जाता है, टैनिंग, और बैक्टीरिया उसमें हेल्प करता है आपको। 79वां क्वेश्चन है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों पर सही करें, तो सबसे ऊपर में कौन सा होगा? पटना ही होगा हमारा राजधानी, फिर है मुंगेर है, फिर नालंदा है। 80वां क्वेश्चन है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, चमड़ा उद्योग में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होता है, और कानपुर इसमें एक नंबर है हमारे देश में। विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिक भाग है, 5%। 7% हो गया है हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस जो है ना, लगभग 7% हो गया हम लोग, अब ऑप्शन के अनुसार 5% है। 82वां क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा नहीं है। अब देख सकते हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये भी 67वां बीपीसी में आया है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, सशक्त महिला सक्षम महिला बिल्कुल है, हर खेत में सिंचाई का पानी भी है, पर सभी के लिए वायु मांग नहीं है, सभी के लिए पानी ये सब ऐसा है, वायु मांग जैसा कुछ नहीं है। 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके पारिस्थिति की संतुलन से संबंध नहीं है? तो जल प्रबंधन से होगा, वन रोपण से भी होगा, वन जीव सुरक्षा से भी होगा, पर औद्योगिक से नहीं होगा। 84वां क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभी क्या अभिप्राय है? भूमि जल वायु पौधों
और पशुओं को प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में, बिल्कुल सही है, वह संपूर्ण दशाओं का जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, यह भी सही है। भौतिक जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों को क्रियात्मक अवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 85वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिक विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थिति की असंतुलन, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भूमंडलीय उष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है ऐसा। इसी जल क्षेत्र में बीडीओ को अधिकता संकेत देता है, उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, ठीक ना। बीडीओ होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कहने का मतलब पानी है उसमें कितना ऑक्सीजन का डिमांड है, है ना, ऑक्सीजन उसके अंदर कितना है, ऑक्सीजन का डिमांड मतलब जो जीव जंतु वो कितना डिमांड कर रहा है ना बाहर से। तो ये मतलब अंदर में पानी में ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपका प्रदूषित हो जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जल्दी पानी के अंदर में, तो डिमांड ज़्यादा होगा, मतलब प्रदूषित ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कम तो डिमांड ज़्यादा है ना। तो यही होता है, बीओडी बढ़ने से सीवेज में प्रदूषण बढ़ रहा है, हम जान सकते हैं। धूल, 88वां क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है पॉपुलर से धूल विधि प्रदूषण रोका जा सकता है। 89वां क्वेश्चन है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वन रोपण रोपिए, खनन कार्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रोकिएगा तो बड़ा दिक्कत ही हो जाएगा। वन वस्तुओं का संरक्षण करना है, ठीक है, संरक्षण करना और रोकते भी रहना है, ये ज़्यादा जरूरी है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान वह कौन है? वो चीन है, लगभग 88% है, 28% है, 14-15% के आसपास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और हम भारत है लगभग 7% के आसपास। ये था आपका सेट नंबर 2 रंजीत सर का, इसमें मैंने जीएस के डिस्कस किए गए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाने से पहले शेयर कर दीजिए वो सभी लोगों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का, और लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।